आज की कक्षा में हम नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचने की क्रिया को आनुवंशिकी कहते हैं और इसके अध्ययन को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया। कौन किया? बेटसन। आप लोगों को यह आभास होगा कि आनुवंशिकी की खोज के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है, परंतु आनुवंशिकी शब्द कहने का श्रेय किसको मिलता है? बेटसन को मिलता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता और पुरानी आनुवंशिकी के पिता, दोनों के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, परंतु आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? बेटसन। जस मात पित तस संतान, अर्थात जैसी माता पिता होती हैं उसी तरह की संतानें होती हैं। मेंडल के प्रयोग से पहले समाज में यह भ्रमिया थी कि माता पिता से जो संतान पैदा हुई है वह ईश्वर की देन है, परंतु मेंडल ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि जो लक्षण माता पिता में होते हैं वही लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं और संतानों में स्थानांतरित होने वाले कारक संतानों में स्थानांतरित होने वाले प्रभाव को कारक कहा। मेंडल ने क्या कहा? कारक। जीन का आविष्कार नहीं हुआ था या जीन का नाम नहीं हुआ था, जॉहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग 1909 में किया था, परंतु यह प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल का 1866 में हुआ। 1866 में मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम बनाए। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम, ला ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या है? जब दो असमान, दो विपरीत, दो विपर्यासी लक्षण शुद्ध नस्ली हों, जैसे लंबा और यमुना शुद्ध नस्ली लक्षण हैं, शुद्ध नस्ली जनकों के बीच पर परागण या संकरण, पर परागण या संकरण, पर परागण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह लंबा है, यह इसके लंबे का परागण बौने के वर्तिकाग पर डाला जा रहा है, दूसरे पौधे से आ रहा है, इसलिए कहा यह पर परागण या संकरण है, पर परागण कराते हैं। तो युग्मक जनन के समय इसके दोनों युग्मक अलग होते हैं तो क्या बना? स्मार्टी। और इसके दोनों युग्मक अलग होते क्या बना? जब इनका संग्रह हुआ पहले का पहले से कहा या कैप्टन टी, पहले का दूसरे से कहा या कैप्टन टी स्मार्टी, कैप्टन टी स्मार्टी का, और दूसरे का पहले से आया तो कैप्टन टी, और दूसरे का दूसरे से आया तो सभी में कैप्टन टी स्मार्टी है, तो क्यों यह लंबा हुआ, क्यों नहीं यह बौना हो जाता? ना, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराते हैं तो वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण, और जो छूट जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर लंबे हुए जो पौधे लेकिन दस रूप से लंबे हैं, जीन रूप से क्या है? संकर है, संकर माने मिला जुला, आधा लक्षण इसमें लंबा का है, आधा लक्षण इसमें, इसलिए क्या है यह संकर हाइब्रिड, संकर हाइब्रिड बुटा। अगर हम इस एक ही रिसर्च के पौधों को बोएं तो दो या तीन पीढ़ियों के बाद हम देखते हैं हमारे खेत में कुछ पौधे लंबे, कुछ पौधे बौने हो जाते हैं, क्योंकि वह लक्षण अलग होने पर अपना लक्षण प्रकट करता है। तो यह रहा मेंडल का प्रभाविता का नियम, कोई भी लक्षण या अपन पीढ़ी में जो प्रकट होता है वह लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, और जो प्रकट नहीं होता उसे इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं।
मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था, बागीचे की मटर का नाम क्या था? पायसम सताइभम। क्या नाम था? पायसम सताइभम या पायसम सतिभम, पायसम सतिभम यदि है, पायसम सताइभम का प्रयोग किया, मीठी मटर बागीचे की मटर किया। दूसरा नियम मुन्ना युग्मकों की या अब यहाँ पर या प्रभावी लक्षण, क्या इस अप्रभावी लक्षण को अशुद्ध कर दिया है? नहीं। या क्यों इसके गुण को छिपाया है, इसको प्रकट होने से रोका है, लेकिन इसका गुण इसके अंदर विद्यमान है। या अवसर आएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? पृथक अलग हो जाएगा और गलत से प्रकट करने लगेगा। मेंडल ने इसके लिए दूसरा नियम बनाया था युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब यफमन पीढ़ी के जब यफमन पीढ़ी के प्राप्ति संतति के बीच कौन परागण? स्वपरागण। क्यों स्वपरागण कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर यह भी लंबा है, यह भी लंबा है, लेकिन लंबा कैसे है? संकर। कैसे लंबा है? जब शुद्ध नहीं संकर लंबा, संकर लंबा का युग्म ज्ञान होता है तो इसके युग्म क्या हो गए? इसके युग्म पृथक हो गए। दोनों युग्म जब पृथक हुए तो हम क्रॉस कराए, क्रॉस कराए तो पहले का पहले से आया क्या? कैप्टन टी कैप्टन, पहले का दूसरे से कराए क्या आया? कैप्टन टी, और दूसरे का दूसरे से कराए क्या आया? स्मॉल टी। इस तरह से देखने से यह तीन अनुपातें तीन संबंधे के अनुपात में लक्षण प्रारूप भी प्राप्त होते हैं या पौधे बनते हैं, जिनका जीन रूप कैसा है? एक एक संबंधे दो संबंधे अर्थात एक शुद्ध लंबा दो संकर लंबा होना, अर्थात अवसर आने पर जब यह दोनों युग्मक साथ हुए तो क्या हो गया? आपका लक्षण प्रकट कर दिया, लक्षण प्रकट कर दिया था, शुद्ध बौना बन गया। यहाँ पर कैसे बताया शुद्ध रोना है? जब इसको हम सात मिलियन तक बोलते हैं तो बौना 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 ही गुण प्रकट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शुद्ध बौना। और फिर इसको फिर इसमें कराएंगे तो कोई एक दो एक के अनुपात में बनेगा। इस तरह से कोई भी लक्षण किसी लक्षण को दबा सकता है, लेकिन नष्ट इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अब विमन का नियम करते हैं, युवकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युवकों की शुद्धता के नियम के परीक्षण के लिए मेंडल ने दो शब्दावली प्रस्तुत की है, जिसमें टेस्ट क्रास और बैक क्रास। टेस्ट क्रास और टेस्ट क्रास क्या है? यफ वन पीढ़ी के प्राप्त संकर संतति का, यफ़ोन पीढ़ी के प्राप्त संकर संतति का पी पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी जनक से संकर कराते हैं तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ संकर पूर्व संकर माने मिला जुला, इसमें स्मार कैपिटल दोनों होगा। पूर्वज माने बौना और लंबा के बीच संकर कराएंगे तो क्या कहलाएगा? बैक्रास। तो यहाँ मुन्ना अनुपात क्या आएगा शुद्ध और संकर का? 50 अनुपात है। उसी तरह से दूसरा नियम टेस्ट लेने के लिए कि संकर और शुद्ध का क्या रेशियो आता है, तो यह भवन पीढ़ी के संतर का केवल अप्रभावी जनक से संकर कराते हैं, तो यहाँ पर भी 50 संबंधे 50 के अनुपात में शुद्ध और संकर बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बैक। क्या कहते हैं? बैक माने केवल अप्रभावी जनक से। तो अप्रभावी जनक में क्या आया? दो संकर आए और दो शुद्ध, ये दोनों क्या हैं? शुद्ध शुद्ध बौना और यह दो का है संकर लंबा। तो संकर और शुद्ध का अनुपात कितना रहा? 50 संबंधे। तो इस तरह से आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने और आनुवंशिकी के जनक
ग्रेगर्जन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? बागीचे की मटर पर क्यों किया? क्योंकि वह गिरजाघर के पादरी थे। उन्होंने बागीचे में अपनी मटर बोया था। गिरजाघर के पादरी मेंडल ने अपना प्रयोग 19वीं सदी में 1866 ईस्वी में पाइसम शताइवम नामक बागीचे की मटर पर किया और तीन नियम बनाए, जिसमें आप पहला नियम प्रभावता, पहला नियम प्रभावता का नियम, दूसरा नियम शुद्धता का नियम और तीसरा नियम स्वतंत्र। अब अगले अध्याय में हम स्वतंत्र अभिमुखता के नियम का अध्ययन करेंगे।